नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जिस तरह से देश भर में कोरोना ने जिस तूफान के साथ लोगों को बेचैन कर रखा है, उससे सिर्फ आम जनता ही परेशान नहीं है, कई लोग पूरे देश परेशान हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस महामारी में, इस संकट में भी अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर के देश की सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नीतू सिंह, जो मूल रूप से बिहार के हैं, दिल्ली में रहते हैं, जो इस लॉकडाउन में, इस महामारी में डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए, मेडिकल स्टाफों के लिए पीपी किट्स मुहैया करा रहे हैं, मास्क बना रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में मास्क भेज रहे हैं, बांट रहे हैं, पीपी किट्स हॉस्पिटल में भेज रहे हैं। नीतू सिंह से जानेंगे कि पीपी किट्स बनाने में कितना परेशानी है और किस तरह का पीपी किट्स मार्केट्स में आ रहा है और क्या अभी देश में पीपी किट्स की संख्या पर्याप्त मात्रा में है। मैम, जिस तरह से लॉकडाउन में पीपी किट्स पहले नहीं बन रहा था अपने देश में, लेकिन आज के समय में पीपी किट्स सबसे चर्चित शब्द हो गई है, तो क्या मार्केट में आज पर्याप्त रूप में पीपी किट्स है? शुरुआत में इसकी स्कार्सिटी भी थी और इसकी क्वालिटी भी, जो कंप्लायंस को फुलफिल करने चाहिए, वो वैसी क्वालिटी नहीं आ रही थी। लेकिन आज सिनेरियो बदल गया है। रिसर्च के बाद जिस तरह सिट्रा अप्रूव्ड फैब्रिक की ज़रूरत हो रही है पीपी किट बनाने के लिए, उस तरह का फैब्रिक भी इजीली अवेलेबल है। और डीआरडीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां जो लोग पीपी किट बनाना चाह रहे हैं वो सिट्रा अप्रूव्ड फैब्रिक को यूज़ करके उस किट को सबमिट करते हैं, उनको डीआरडीओ से सर्टिफिकेशन मिलता है, अप्रूवल मिलता है, फिर वो अपनी फैक्ट्री में या अपनी यूनिट में इन किट्स को बना रहे हैं। तो जो फरवरी में स्थिति थी कि पीपी किट्स जो थे वो किसी फ़ायदे के नहीं थे, हमारे डॉक्टर्स उससे बहुत संक्रमित हो रहे थे, और अब थोड़ा रोक लगाया गया। उसके बाद जो पीपी किट बन रहे हैं उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और क्वांटिटी भी काफ़ी बन रही है। जैसा कि स्मृति ईरानी जी ने भी कहा कि हमने एक महीने में इतना रिसर्च वर्क किया और इस तरह से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया कि प्रतिदिन पूरे कंट्री में 2 लाख पीपी किट बन रही हैं और लगभग 200 कंपनीज ऐसी हैं जो इस पीपी किट को बना रही हैं। मैम, जिस तरह से मार्केट में कई तरह के, जो कह सकते हैं कि एक फर्जी पीपी किट्स आ रही थी, क्या एक ओरिजिनल पीपी किट्स का कुछ अलग पहचान होता है? जी हाँ, ये सारी जो कंप्लायंस है उस फैब्रिक की क्वालिटी के लिए होता है। 80 GSM या 90 GSM की ये फैब्रिक होती हैं जिसके ऊपर एक कोटिंग होती है, एक लेमिनेशन होता है, जिसको पहनने के बाद डॉक्टर्स के ऊपर ना पानी जा सकता है और ना ही इस तरह का वायरस जा सकता है। तो इसकी पहचान यही है कि सिट्रा अप्रूव्ड ये फैब्रिक हमें यूज़ करना होता है। अभी तक आपने, आपकी कंपनी से कितना पीपी किट्स तैयार हुई है और कहाँ कहाँ आपने पीपी किट्स भेजा? क्या बिहार में भी पीपी किट्स भेजा, बिहार मेडिकल में भी आपने कुछ भेजा है? हम लोगों ने अभी तक 1 लाख से ऊपर पीपी किट बना लिए हैं। प्रोडक्शन थोड़ी स्लो इसलिए है क्योंकि हमें थोड़े से वर्कर्स को लेकर काम करना है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, इस कंप्लायंस को पूरा करना होगा। 1 लाख से ऊपर की पीपी किट बन गई है। हमारे यहाँ लगभग 1000 पीस रोज बनाने का एक टारगेट होता है और हम लोग उस टारगेट को अचीव कर रहे हैं। कई स्टेट में हम लोगों ने यह भेजा है नो प्रॉफिट नो लॉस पे, जिसमें बिहार के भी 1-2 हॉस्पिटल्स में हमने भेजा है, और अब हमारी क्वालिटी को देखते हुए कई एजेंसीज़, कई MNCs, कई हॉस्पिटल्स हमें पीपी किट का ऑर्डर दे रहे हैं। मैम, जिस तरह से खबर ये भी आई कि पीपी किट्स दूसरे देशों से लाया जा रहा था, चाइना से, फ्रांस से, लेकिन क्या आज अपने देश में उन देशों के पीपी किट से ज़्यादा बेहतर है या क्वालिटी में अंतर है कुछ दोनों देशों का? चाइना के किट तो यूजलेस थे और इटली के जो फ्रांस से जो किट आ रहे थे उस समय उसकी कीमत 2000 रुपीज़ पड़ रही थी, और हम जो अभी किट बना रहे हैं वो अप्रॉक्स 600 रुपीज़ इसकी कीमत जा रही है पूरे किट की। तो कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि हम लोग बिल्कुल इसको, इसमें कैपेबल हो गए हैं कि हमारे यहाँ बेहतरीन क्वालिटी की पीपी किट बन रही है और लगभग जिस रेट पे आ रहा था उसका 1/4। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप मूल रूप से बिहार से आती हैं, बिहार में जिस तरह से मेडिकल व्यवस्था थी, पीपी किट्स की कमी थी, मास्क की कमी थी, क्या बिहार सरकार को कुछ अलग करना चाहिए, पीपी किट्स मास्क की ज़्यादा डिमांड करनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो हैं हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे क्लीनिंग स्टाफ हैं, हमारा पैरामेडिकल
जो फोर्स है, इन सबों को जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो एक मास्क और पीपी किट की तो है ही। तो भारत सरकार को सारे हॉस्पिटल्स में और इन इस तरह के स्टाफ के लिए जो इस क्राइसिस में वॉरियर्स की तरह लड़ रहे हैं और देश के इस क्राइसिस में अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पीपी किट पहनकर, गारमेंट पहनकर और मास्क लगाकर, उतना तो मुहैया उनको कराना ही चाहिए। बिल्कुल उनका मूल रूप से ये अधिकार है। चलिए, शुक्रिया मैम, थैंक यू।